अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पलवल के बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दुलमा। पलवल में हम क़ीमा भरकर बनाते हैं, इसे हम लोग दुलमा कहते हैं। यह बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। इसे रोटी और चावल दोनों के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। पलवल हमने 400 ग्राम लिया है। इसके बीज हम निकाल लेंगे। पलवल को हमने धोकर छीलकर इसके बीजों को सबको निकाल लिया है। और अब हम एक कुकर में क़ीमा बना लेंगे। क़ीमा हमने चिकन का क़ीमा लिया है, 250 ग्राम ये क़ीमा है। इसमें जो हमने पलवल के बीज को निकाला था वो भी थोड़ा बीज हम इसमें मिला देंगे। जो पीले बीज हैं उनको नहीं देंगे, जो हरे हैं वो इसमें हम क़ीमा में मिलाकर पका लेंगे। क़ीमा हमने एक कुकर में डाला है, इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल दिया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मची हमने हल्दी पाउडर का डाला है। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर हमने डाला है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर हमने 1/4 चम्मच डाला है, गरम मसाला पाउडर भी हमने इसमें आधी चम्मची दिया है। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पकने के लिए हम कुकर को बंद करके हम इस गैस पर रख देंगे। आधा कप हमने इसमें पानी डाला है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। क़ीमा गल चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। एक फ्राइड ऑनियन हम इसमें डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। क़ीमा को अच्छी तरह हम भून लेंगे। क़ीमे को हमने भून लिया है, क़ीमा हमारा तैयार है। अब हम एक कुकर में इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। एक बड़ा कुकर हमने लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। 2 प्याज पिसी हुई हम इसमें डाल देंगे। तेल हमारा पक चुका, गरम हो गया है, इसमें हमने पिसी हुई 2 प्याज डाल दिया। दो प्याज को हमने पीस कर रखा था, वो इस तेल में शामिल किया है। अब लहसुन पेस्ट और अदरक का पेस्ट हम 1-1 टीस्पून डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसे भूनेंगे। इससे अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का शामिल किया। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का डालेंगे।
एक टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का डाला है, नमक एक टीस्पून डाला है। अब हम ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेंगे और इधर कीमा हमारा रेडी हो चुका है, इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे पलवल के अंदर इसे भरेंगे। ये कीमा हमारा तैयार है, इसको पलवल के अंदर हम फिल कर देंगे। एक चम्मच या जितना इसमें आ सके उससे उसमें अच्छी तरह हम उसे फिल कर लेंगे और एक टूथपिक की मदद से हम इसे बंद कर देंगे। चाहे तो इसे धागे से भी बांध कर इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन धागा हमने नहीं लगाया है, हमने टूथपिक से ही इसे बंद कर दिया है ताकि कीमा बाहर ना निकले। इस तरह करने से पलवल के बाहर कीमा नहीं निकलेगा और ये अच्छी तरह कुक होगा। इसी तरह हम सारे पलवल के अंदर इन कीमों को फिल कर लेंगे। ये इस तरह से हम ने सारे पलवल में कीमा फिल कर लिया है। ग्रेवी हमारी तैयार है, भुन चुकी है। अब हम इसमें इन पलवल को शामिल करके इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। सारे कीमे भरे पलवल को हमने ग्रेवी में शामिल कर दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। कसूरी मेथी हमने आधी टीस्पून ली है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और मज़ा भी बहुत मज़ेदार बनता है। ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनी। कसूरी मेथी डालने के बाद कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर रखेंगे, 3 सीटी के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पलवल हमारा गल चुका है, ये सालन अब तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। कुछ धनिए की पत्तियाँ इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। बेहतरीन खुशबुएं आ रही हैं। ये कीमा भरे पलवल हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे हम दोलमा कहते हैं। बहुत ही मज़े का बना, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। पराठों के साथ या रोटियों के साथ और चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, इसे ट्राई करें, यह बहुत मज़े का बनता है। कीमा आप कोई भी लें, मटन का लें या चिकन का लें, हमने चिकन का कीमा लिया है। बहुत मज़ेदार
सालन तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें हमारा ये दुलमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत टेस्टी बना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।